जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य सुनील बर्मला, एस्टोसिस टीवी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ष 2021 कैसा गुजरने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह साल इनके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही मंगल का स्वगृह होना इनके लिए पराक्रम में बल देगा। साथ ही में फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक ग्रह का चतुर्ग्रही योगों से इनके जीवन में एक मजबूत और प्रमोशन व पदोन्नति के पूर्ण योग बनते हैं। बेरोजगारों के जीवन में नए मार्ग खुलेंगे और नई जॉब या नए कार्य की ओर अपने को अग्रसर करेंगे। नवंबर माह से लेकर जिस साल के अंत तक आपके लिए व्यवसाय करने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। खासकर होटल या ट्रेवल एजेंसी जैसे कार्यों में आपको पूर्ण सफलता देखने को मिलती है। आर्थिक स्थितियों पर नजर डाला जाए तो यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कई चुनौतियां भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। यह वर्ष आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए नए आयाम भी उत्पन्न कर सकता है। फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक यह वर्ष आर्थिक लाभ भी आपको देगा, परंतु इसमें तनावग्रस्त भी आप बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य रह सकता है। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान भी कर सकती है। शनि का कर्म क्षेत्र पे होने के कारण आप अधिक व्यस्त हो सकते हैं, जिसके कारण से आप खुद को समय ना दे पाएं, जिसके कारण आप अपने को मानसिक तनाव जैसी बीमारियां या कमर दर्द या अपच जैसी बीमारियों से गुजर सकते हैं। इस समय विशेषकर खान पान का ध्यान अवश्य दें। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। प्राथमिक स्तरीय छात्रों के लिए यह वर्ष परिश्रम और कठिनता से गुजरने वाला है, परंतु साल के अंत में आप अच्छे अंकों से आप अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तरीय छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस वर्ष आप अपने ज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु स्पोर्ट्स लाइन यानी कि खेल कूद के क्षेत्रों में जुड़े हुए बच्चों के लिए यह वर्ष फलदायक साबित होगा। इसमें आप विजेता को प्राप्त भी कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र में चार ग्रहों का योग बनता है, जिसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं, जो कि ग्रह क्लेशों को मुक्त करता है। पुराने ग्रह क्लेश यानी कोर्ट कचहरी केसों से भी व्यक्ति को मुक्त करता है। जो ग्रह बनते हैं बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति का योग, ये चतुर्ग्रही योग जो बनता है आपकी राशि के अनुसार, यह आपके परिवार के विवादों को समाप्त करता हुआ मुझे दिखाई देता है। परंतु अगस्त माह से आपकी कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होना, साथ में बुध का युक्त होना, इसमें और भी मिठास ला सकता है। सितंबर माह के बाद आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में राहु का होना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भी उधेड़ सकता है। इस समय आप अपनी शब्दों पर विशेषकर ध्यान दें, अपने वाणी पर विशेष क्या ध्यान दें, जो कि आपके परिवार को एक सुख समृद्धि और मिठास से आप परिवार को बनाए रखें। भाई बहनों के लिए यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों का पूर्ण प्यार मिलेगा, खासकर आपके बड़ी बहन या बड़े भाई का अच्छा लगाव व उनका पूर्ण सहयोग भी आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में मंगल ग्रह का स्वगृह होना यानी कि कहीं ना कहीं तनावपूर्ण कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको उलझने भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अपने शब्दों पर आपको विशेषकर ध्यान दें। क्रोध से अवश्य बचें। इस समय आप जबरदस्ती क्रोध ना करें, अपना ईगो ना दिखाएं, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तनाव बन सकता है। मार्च के बाद आपकी राशि के अनुसार एकादश भाव में भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र ग्रह प्रवेश करेगा। मार्च के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक सुख समृद्धि का योग बनेगा, भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा, आपसी मेल मिलाप अच्छा बनेगा, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधित बनेंगे, साथ ही आपके इस दौरान यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि समय शुक्र आपको कहीं ना कहीं से बाहरी क्षेत्रों से भी आपको जोड़ सकता है, एक लंबी यात्रा को भी करा सकता है। अगस्त माह के बाद आपका जीवन साथी आपके व्यापार आपके करियर में आपको आर्थिक लाभ का भी सहयोग दे सकता है। साथ ही में नवंबर माह के अंत यानी कि साल के अंत तक आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं विदेशी यात्रा भी कर सकता है। प्रेम के बंधन में जुड़े व्यक्ति का जीवन यानी कि इनका समय बहुत अच्छा गुजरता हुआ मुझे दिखाई देते हैं। प्रेम के संबंधों में बंधे जातक अपने विवाह के लिए भी अग्रसर बढ़ सकते हैं, इनका विवाह भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि
इस समय प्रेम से जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही में जो इस टाइम में नए व्यक्ति प्रेम की तलाश में हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रेम का लाभ भी मिलने वाला है, उनको प्रेम यानी कि प्यार यानी जीवन साथी के रूप में उनको अपना प्यार भी मिलने वाला है, यानी कि प्रेम की दृष्टि से यह साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जानते हैं इस राशि के जातक इस साल क्या उपाय करें, जिन उपायों करके आप अपने जीवन को, अपने कमियों को, अपने हर प्रकार के जीवन को समृद्ध बना सकें। इस साल मेष राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम सुंदर कांड का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है, हनुमान सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, साथ ही में आप हनुमान सिंदूर के पानी से भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही में आपको मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना है। जो बीज मंत्र है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रौम शह बहुमाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको नित्य प्रतिदिन 108 बार अवश्य करना है। हो सके तो प्रातःकाल नित्य उठकर आपको इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। साथ ही में आप यदि हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे वार्ता.astrosage.com पर आप अपनी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।